हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन हाउस 5। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल अरहर की दाल, जो कि बहुत हेल्थी होती है। सब दालों में अरहर की दाल सबसे ज़्यादा हेल्थी मानी जाती है। तो उसको साफ करके, अरहर की दाल को साफ करके प्रेशर कुकर में डालेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए अब इसमें धो लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं अच्छी वाली दाल है अरहर की, क्योंकि इसने पानी नहीं छोड़ा है, पीला पानी नहीं छोड़ा है। देसी दाल है ये। बहुत सी दाल होती हैं जो पीला पानी छोड़ देती हैं। अब जितनी दाल है उससे दुगना पानी लेना है। देखिए इस तरीके से, देखिए इतनी दाल है, इतनी दाल है, इससे दुगना पानी लेंगे। डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्रेशर कुकर को गैस पे रख देंगे और 2 सीटी आने का वेट करना है। सिर्फ 2 सीटी आएगी, उसके बाद प्रेशर कुकर से गैस निकल जाएगी अपने आप। उसके बाद प्रेशर कुकर खोल के देखें, देखिए दाल खड़ी है, दाल बन रही है, ना कि कड़ी। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी दाल कड़ी बन जाती है, तो कड़ी नहीं अच्छी लगती है। तो तड़के के लिए हरी मिर्च और अदरक कट करके रख लिया है। कढ़ाई गैस पर कढ़ाई रखेंगे, गरम होने देंगे, मसाला डोल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले डालेंगे जीरा, जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और अदरक, दोनों को डाल देंगे। थोड़ा भुनने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद डालेंगे हींग, हींग लास्ट में डालेंगे वरना हींग जल जाती है। डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डाल देंगे दाल, दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है अभी से ही, बनने के बाद और अच्छी लगेगी। ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद लगभग 10 मिनट तक और पकाएंगे स्लो फ्लेम पर, जिससे कि सारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छे से। दाल बन चुकी है।